बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हम आज जो एमसीक्यू सेशन है उसको कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको पेन कॉपी लेकर बैठना है। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठते हैं तो आपको क्या होगा, इस वीडियो से काफ़ी फायदा मिलेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको क्या याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन हैं उसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसका आंसर करना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है। आपको पता है कि हम इसमें हिमाचल के क्वेश्चन करते हैं और साथ में जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि जियोग्राफी, पॉलिटी और साथ में इकोनॉमिक्स, साइंस का सेक्शन भी इसमें रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो सारे के सारे क्वेश्चन हैं ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। यहाँ पर हम उन क्वेश्चनों को करते हैं जो या किसी प्रीवियस टाइम के पेपर में आ चुके हैं या उनके आने की संभावना है। तो आइए चलते हैं आज का जो ये सेशन है उसकी तरफ। पहला क्वेश्चन है हिमाचल का ही क्वेश्चन और ये कल्चर पार्ट से है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, उजग जामा, उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए में है किन्नौर, बी में है लौह स्पीति, और सी में है कुल्लू। और साथ में जो आपका डी है वो है मंडी। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट के साथ ही पेपर में भी पूछा गया है। इसका सही आंसर जो है कुल्लू, इसका सही आंसर है। आपने इसको राइट आउट करना है कि कुल्लू इसका सही आंसर है। उसके बाद कुल्लू के बारे में कुछ एक चीजें जो आपको याद रखनी है। पहली बात कि जो कुल्लू के संस्थापक थे उनका नाम क्या था, तो उनका नाम बिहंग मणिपाल था। बिहंग मणिपाल। दूसरी बात क्या है कि ये जब राजा बना कुल्लू का तो मां हिडिंबा देवी की कृपा से बना था। माँ हिडिंबा देवी की कृपा से बना था। ये जो माँ हिडिंबा है ये कुल्लू की कुल देवी भी मानी जाती है। कुल्लू का प्राचीन नाम कुल्लू या उल्टा कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, उल्टा या क्लूट। ये आपको अच्छे से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है, त्रिगत का पहला नंबर आता है। तो यहाँ से ये चीजें आपको अच्छे से सीखनी है। आगे नेक्स्ट जो ही ऑप्शन में है इनके बारे में कुछ चीजें जान लीजिएगा। किन्नौर काफी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में किन्नौर का हेडक्वार्टर रिकांगपियो है, रिकांगपियो है। पर पहले किन्नौर का हेडक्वार्टर ब्रिटिश टाइम में कल्पा हुआ करता था, कल्पा हुआ करता था। किन्नौर का अगर तिब्बती नाम देखें तो खुनो, आपको अच्छे से याद रखना है। रिकांगपियो अभी है इसका हेडक्वार्टर, कल्पा पहले हुआ करता था। आगे लोहन के बारे में कुछ चीजें जो लोहन स्पीति है उसके बारे में आपको जानना है। इसका जो तिब्बती नाम है गार्चा, गार्चा का मतलब होता है तिब्बती में दक्षिण देश।
ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर एक चीज और याद रखनी है कि ह्यूम सांग जो चीनी यात्री थे हर्षवर्धन के टाइम में जब भारत आए तो उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है। किताब का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। उस किताब में उन्होंने लाहौल स्पीति का जिक्र किया है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। मंडी की बात करें तो मंडी का जो पुराना नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि तिब्बती में मंडी को क्या कहा गया, ये मंडी का पुराना नाम क्या है। दूसरी बात, मंडी का जो संबंध जोड़ा जाता है मांडवी ऋषि से जोड़ा जाता है, ये ब्यास नदी के आस पड़ोस में है। हिमाचल प्रदेश की काशी इसको कहा जाता है, मंदिरों की नगरी कहा जाता है, छोटी काशी कहा जाता है, छोटी बनारस की उपाधि मतलब टाइटल इसको दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि इसके जो संस्थापक माने जाते हैं मंडी नगर के वो अजमेर से माने जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये आपके लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो उजगामा है वो क्या है और साथ में यहाँ से आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये पता चल गया होगा। तो अच्छे से पता चल गया है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को टकटकी लगाकर देखना है और साथ में अंत तक बने रहना है क्योंकि इससे आपको काफी फायदा होने वाला है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। भेंट और बिहागड़ा किस लोक गीत की श्रेणी में आते हैं, फिर ध्यान से तो सुनना और मैं ब्लैकबोर्ड पर लिख भी रहा हूं। भेंट और बिहागड़ा, भेंट और बिहागड़ा, बिहागड़ा किस प्रकार के लोकगीत है, पहले तो आपको यही देखना है कि जो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहां से एक और क्वेश्चन बन रहा है कि जो भैर और बिहागड़ा एक है तो ये हिमाचल प्रदेश के लोकगीत है। अब किस तरह के क्वेश्चन लिखिए, विवाह गीत, विवाह गीत बी है, चालार गीत सी है, धार्मिक गीत और डी है, इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। भेंट बिहागड़ा किस प्रकार के लोकगीत है, विवाह गीत, चारवाहा गीत, धार्मिक गीत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो धार्मिक गीत है, इसका सही आंसर धार्मिक गीत है। जो भेंट और बिहागड़ा होते हैं जो गद्दी को मिली है उनका एक प्रसिद्ध त्यौहार होता है नवारा, नवारा का जो संबंध है शिव से जोड़ा जाता है, इसका डिटेल कभी नहीं करेंगे। उस दौरान ये जो भेंट और बिहागड़ा लोकगीत होते हैं इसको गाया जाता है, तो इसको अपने अच्छे से याद रखना है। भेंट और बिहागड़ा एक लोकगीत है और कैसे लोकगीत है, ये धार्मिक लोकगीत है और कौन सी कम्युनिटी की बात करते हैं तो गद्दी। ध्यान से सुनना, पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्याय, उसमें गद्दी को गब्दी का कहा गया, गद्दी को गब्दी का। पाणिनि की एक किताब है अष्टाध्याय, इसकी किताब पाणिनि की एक किताब है उसका नाम है अष्टाध्याय, अष्टाध्याय। और ये अष्टाध्याय जो है ये विश्व का
संस्कृत का सबसे पुराना व्याकरण है, संस्कृत में लिखी गई, और ये आपको अच्छे से याद रखना है किसने लिखी हुई है, पाणिनि के अष्टक है, और उसमें गद्दी के लिए गब्दी का शब्द यूज किया गया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि जो भेंट और बिहागड़ा किस प्रकार के लोक गीत है, तो ये जो है आपके धार्मिक गीत है, और यहाँ से और कुछ भी याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है पहले एग्जाम में आ चुके हैं। सन 1848 की घटना है, कब की घटना है, सन 1848 की घटना है, हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य, हिमाचल प्रदेश का नूरपुर राज्य जो अंग्रेजों के विरुद्ध, जो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रसिद्ध रहा, रहा 1848 में किस व्यक्ति ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए लिखा हुआ है वजीर श्याम सिंह, ए में वजीर श्याम सिंह, बी में लिखा हुआ है राजा बिधिचंद, और सी में लिखा हुआ है पहाड़चंद, पहाड़चंद, और डी है राम सिंह पठानिया। तो आपने ये क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़ लिया होगा, और साथ में इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसमें से आंसर कौन है। अगर पता चल गया है तो आप आंसर कर सकते हैं, पर इसका सही आंसर जो है डी, राम सिंह पठानिया। राम सिंह पठानिया नूरपुर से बिलोंग करता है, नूरपुर रियासत का एक वजीर है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करता है, उनके नाम भी कम कर देता है, पर बाद में हार की वजह से ये पहाड़ी जो रीजन था उस वक्त कांगड़ा का, उसकी तरफ भागता है डल्ले की घाटी, जो शाहपुर के आसपास में कहीं इतिहास की किताबों में लिखी हुई मानी जाती है, और नूरपुर के बीच का, और शाहपुर और नूरपुर के बीच का क्षेत्र ही माना जाता है, वहां पर शरण लेता है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम पहाड़चंद है, ये पहाड़चंद इसका दोस्त है, ये मित्र द्रोह करता है और अंग्रेजों को ये इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिसकी वजह से अंग्रेज इसको पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद इसको सजा दी जाती है। क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि जो राम सिंह पठानिया जी थे, नूरपुर के जो वजीर हुआ करते थे, उन्हें अंग्रेजों ने कहां पर भेज दिया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा मंथन कीजिएगा, सोच विचार कीजिएगा और इसका आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी हिमाचल का जो हिस्ट्री का पार्ट है उससे है, और कल्चर पार्ट के साथ है,
क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। किस राजा के समय में, किस राजा के समय में राजा के समय में मंडी के शिवरात्रि को छह मंथ के साथ शुरू किया गया? किस राजा के समय में मंडी की शिवरात्रि को छह मंथ के साथ शुरू किया गया? थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, फिर कट रहा तो मैं दोबारा से लिखता हूं। छह मंथ के बाद का प्रश्न, छह मंथ के साथ शुरू किया गया। शुरू किया ऑप्शन ए है अजगर सेन, अजगर सेन। बी है सूर्य सेन। डी है, सॉरी सी है शीत सेन। और डी है विजय सेन। काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका सही आंसर अजमेर सेन है। अजमेर सेन के समय में शिवरात्रि का जो मेला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, 7 दिन तक चलता है। जो पढ़ल मंडी का मैदान है वहां पर ये मनाया जाता है। जो पढ़ल मैदान है उस रीजन में ये मनाया जाता है। और जो मनाने के पीछे राज होता है, जो मनाने के पीछे राज होता है, उस राज का जो कारण है, माना जाता है कि जब ये त्योहार शुरू हुआ तो छह मंथ को जो मानने वाले लोग थे उन्होंने इसको मनाने की राजा से रिक्वेस्ट की थी। तो राजा ने इसको स्वीकृति दे दी और उसके बाद शिवरात्रि का त्यौहार मनाना शुरू, जो मनाया जाना शुरू हो गया। तो ये आपको अच्छे से छह मंथ का जो त्यौहार शुरू होता है मंडी में वो अजमेर सेन के समय में होता है। और छह मंथ का जो देवता है वो भूतनाथ, भूतनाथ को माना जाता है। भूतनाथ यानी शिव को माना जाता है। ये भूतनाथ का जो मंदिर है ये भी अजमेर सेन ने बनवाया है। अजमेर सेन ने बनवाया, अच्छे से याद रखना। दूसरी बात, इसे जो वैष्णव मानते हैं, मीन वैष्णव शैव, शैव का तो सब भूतनाथ से जोड़ा जाता है। पर एक परंपरा ऐसी भी आती है मंडी की हिस्ट्री में कि इसे वैष्णव रूप किसने दिया, क्योंकि जो मंडी की शिवरात्रि है वो तीन मतों को समर्पित है, तीन धर्मों को समर्पित है। नंबर वन शैव, नंबर टू वैष्णव, नंबर थ्री है लोकमत। लोकमत है उनको समर्पित है। तो अजमेर सेन ने शैव मत का प्रचारण किया। जो बेसुर सेन है उन्होंने इसे वैष्णव मत दिया। वैष्णव मत दिया। और वैष्णव मत के जो देवता है वो माधव राव या माधव देव, माधव राव या माधव राव, इसे किशन को माना जाता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और दूसरी बात क्या है कि ऐसा भी मंडी की हिस्ट्री में कई मन लिखा हुआ है कि जो सूर्य सेन थे इनके 18 पुत्र थे, सारे के सारे मर गए और इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो श्री कृष्ण को सौंप दिया था। तो उसके बाद
जो मंडी का शिवरात्रि का त्योहार था उसने वैष्णव मत को भी क्या किया, स्वीकार किया और दो मतों के साथ शिवरात्रि का मेला प्रारंभ हुआ। आई होप आप ये जो क्वेश्चन थे इनको समझ गए होंगे। दूसरी बात, इसको अच्छे से याद रखना, विजय सेन ने विक्टोरिया ब्रिज का उद्घाटन किया, विक्टोरिया ब्रिज को बनाया था मंडी में 1878 की घटना है, इसको अच्छे से याद रखना। अब मुझे बताइए कि सिद्ध सेन के समय में प्रमुख घटना क्या है। एक चीज आपने पता करनी है कि सिद्ध सेन के समय में एक प्रमुख घटना कौन सी थी, सबसे प्रमुख घटना कौन सी थी। आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझा के होगा, अगर अच्छे से समझा गया तो आगे चलते हैं। आज के जो दो क्वेश्चन है वो पॉलिटी सेक्शन से रहेंगे। क्वेश्चन इस तरह है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना और उसके बाद इसको करना है क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, भारत की जो आकस्मिकता निधि है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है। भारत की आकस्मिकता निधि के ऊपर किसका नियंत्रण होता है, ऑप्शन ए है संसद, बी है कार्यपालिका, सी है प्रधानमंत्री और डी है महा न्यायवादी। तो ये आपको क्या करना है, इसका सही आंसर करना है कि जो आकस्मिकता निधि है उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है। थोड़ा सा इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैंने स्लाइड में लिख दिया, मैंने इसको देखिएगा, क्वेश्चन इस तरह है, भारत की आकस्मिकता निधि के ऊपर किसका नियंत्रण होता है। तो किसका नियंत्रण होता है, संसद का, कार्यपालिका का, प्रधानमंत्री का, महान्यायवादी। इसका सही आंसर जो है कि कार्यपालिका का इसके ऊपर नियंत्रण होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आता है, प्रधानमंत्री आता है, कैबिनेट मंत्री आदि होते हैं वो आते हैं और साथ में अटॉर्नी जनरल किसमें आता है, कार्यपालिका जिसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। कार्यपालिका का काम क्या होता है, मैं मेन काम बता रहा हूं। जब पार्लियामेंट किसी लॉ को पास कर देती है तो लॉ को पास करने के बाद इसको जो इंप्लीमेंट करने वाली बॉडी होती है वो कार्यपालिका होती है। फिर ध्यान से देखना, संसद क्या करती है, किसी कानून को बनाती है, संसद कानून को बनाती है, कार्यपालिका उस कानून को लागू करती है। संसद क्या हुई, कानून बनाने वाली बॉडी। कार्यपालिका क्या हुई, कानून को लागू करने वाली संस्था, लागू करने वाली संस्था। और एक और देख लो जिसको हम न्यायालय बोलते हैं, इसका काम क्या होता है, कानून की व्याख्या करना। आपको अच्छे से याद रखना, आप समझ गए होंगे कि कार्यपालिका जो होती है वो क्या करती है, जो ये आकस्मिकता निधि होती है इसके ऊपर उसका नियंत्रण होता है। अब दूसरी बात क्या है, अगर कार्यपालिका की जगह राष्ट्रपति होता तो जो राष्ट्रपति होता है उसका इसके ऊपर नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का इसके ऊपर नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति क्या है, जो सारे के सारे काम करता है वो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री और उसकी जो कार्यपालिका होती है उसके सलाह मशवरे से करता है। तो
तो आसना विधि के ऊपर अगर राष्ट्रपति ऑप्शन में होता तो राष्ट्रपति को आपने प्रेफरेंस देने की, पर यहाँ पर कार्यपालिका है तो आप कार्यपालिका को प्रेफरेंस देंगे, इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दूसरी बात कि जो ये आस्था निधि होती है इसमें जो तो धन होता है जो डिपॉजिट किया जाता है तो संसद कानून बनाकर इसमें डिपॉजिट करती है, और इसका जब गठन किया गया था 1950 में किया गया था, जब बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती है, आपातकाल आ जाता है, उस दौरान ये जो आकस्मिक निधि होती है यहाँ से धन खर्चा जाता है और खर्चने की जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, कार्यपालिका के पास होती है। अदरवाइज अगर संसद मतलब संसद जिसको हम संचित निधि बोलते हैं वहां से अगर धन को खर्चना है तो एक विधेयक होता है जिसको हम विनियोग विधेयक बोलते हैं, उसको पारित करना पड़ता है और ये संसद के पास पावर है। 114 जो आर्टिकल है उसमें ये व्यवस्था की गई है। पर जब आकस्मिक निधि से धन खर्चना है वो उसको खर्चने की जो शक्ति है वो प्रेसिडेंट के पास होती है या कार्यपालिका के पास होती है, और उसके लिए कोई विनियोग विधेयक नहीं लाना पड़ता है, ये आपको अच्छे से याद रखना। संसद आपको अच्छे से पता चल गया संसद का काम क्या होता है, 79 में इसकी व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 79 में, इसको अच्छे से याद रखना। महान्यायवादी, इसको भी अच्छे से याद रखना है। सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, हमारे देश का सबसे बड़ा वकील जो सरकार के केसेस होते हैं वो सुनते हैं, इनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि जो महान्यायवादी होता है उसका कार्यकाल कितना होता है, कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक चीज और याद रख लीजिएगा कि जो आकस्मिक निधि है इसका जो वर्णन किया हुआ है आर्टिकल 267 में किया गया है, 267 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आर्टिकल, अनुच्छेद लिख रहा हूं आर्टिकल की जगह, अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है, फिर ध्यान से देखना, ऑप्शन ए है बजट, बी है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, सी है धन विधेयक, और डी है वित्त विधेयक। डी है वित्त, तो आपने आंसर तो कर लिया होगा। फिर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है कि पहले आंसर करना है, उसके बाद आंसर का मतलब जो आंसर किया हुआ आपने, जब मैं आपको आंसर बताऊंगा तो उसको ठीक किया है या गलत किया है उसके बेस पर अपना स्कोर बताना है, उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है, या कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना चाहते हैं तो इवैल्यूएशन कर सकते कि आपने ठीक किया है या गलत किया हुआ। तो इसका सही आंसर जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो ये जो बजट है ये अनुच्छेद 112 में कुछ नहीं कहा है, ना ही इस संविधान में कहीं बजट का विवरण किया गया, ये लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं, लेमैन लैंग्वेज में बजट बोल देते हैं, पर एक्चुअल में बजट का संविधान में कहीं भी विवरण नहीं देखने को मिलता। जो आर्टिकल 112 है उसमें ये बात की हुई है वार्षिक वित्तीय विवरण, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे नेक्स्ट हम धन विधेयक को देख लीजिए, जो धन विधेयक है उसका विवरण 110 आर्टिकल में किया गया है। धन विधेयक के बारे में दो तीन चीजें ही बताऊंगा, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल जब हम पॉलिटी की सीरीज करेंगे कंटिन्यूटी में तो उसमें करेंगे, अभी
इतना ज्यादा डिटेल ना जाते हुए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में ही बातचीत करेंगे। नंबर वन, धन विधेयक को लोकसभा में ही पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है और राज्यसभा को इसको लेकर नामात्र शक्तियां हैं। नंबर वन, आपको ये बात याद रखनी है। आगे नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कोई भी धन विधेयक है या नहीं, ये लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इसका निर्धारण करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसका निर्धारण करता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। बिल विधेयक का विवरण क्या हुआ है, 117 आर्टिकल में क्या है, बिल विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, इसके बीच अंतर क्या है, ये जब हम पॉलिटी का चैप्टर करेंगे उसमें डिटेल करेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती होगी, अगर पसंद नहीं आए तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं। डिसलाइक क्यों किया कमेंट सेक्शन में आप रीजन बता सकते हैं और वीडियो को टक टकी लगाकर अंत तक देखना है। दूसरी बात, अगर इस वीडियो को देखने से थोड़ा सा भी फायदा हुआ, मान लो कि आपका 0% या 0.5 भी फायदा होता है, माइनस में नहीं, फायदा नहीं हुआ आपका, 0% मान रहा हूँ, आपको इससे कुछ 0% सीखने को मिला, 0.5% सीखने को मिला या उससे अबव सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी फायदा हो। साथ में आपको क्या करना है कि बड़ों पर रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, बड़ों पर रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, परिवारों से कर रखना है ध्यान, ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परंपरा। धन्यवाद। जय हिंद।